वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। हमेशा की तरह मैं आज भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, वीकेंड एंजॉय करने के लिए तैयार होंगे। और सैटरडे है आज, मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं और बहुत सारे लोगों के भी बहुत सारे प्लान्स होंगे, क्योंकि सैटरडे को आपने सोचा होता है कैसे आज कल हमारी छुट्टी है, तो आज हम लेट नाइट हैंग आउट भी कर सकते हैं, कहीं जा भी सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो आज मुझे एक शादी अटेंड करनी है, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। और आज मैं सोच रही थी कि अब तो शादी का टाइमिंग भी बड़ा लिमिटेड सा हो गया है, आपको 10 बजे शादी ख़त्म हो जाती है, मतलब आपका टाइमिंग जो है, तो उसके लिए आप इतनी देर तक तैयारी करते हो। और फिर जब आपको पता चला अभी वो चीफ जस्टिस साहब का जो एक नोटिस लिया गया, उन्होंने कुछ एक्सटेंशन के हवाले से, पता नहीं वो क्या है, मैंने उसको आज सुबह अपनी एक न्यूज़ फीड में देखा, तो मैंने कहा मैं इस बात पे चेक करूंगी, फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। लेकिन जनाब आज दिन का आगाज किया, और सुबह चूंकि अभी मैं रिसेंटली अपने ट्रिप से वापस आई हूँ, तो मेरी एक डिस्कशन हो रही थी हमारे एक इंटरप्रेटर हैं वहाँ पर US में, और वो बड़े इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान हैं, तो उनसे जब हम डिस्कशन में कर रही थी सुबह, तो उन्होंने मुझे एक बुक का रेफरेंस दिया कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। मैंने कहा जनाब वो बुक कौन सी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान में मिलना तो मुश्किल है। मैंने कहा चलिए ढूंढ लूँगी, तो उसके साथ साथ उन्होंने मुझे कुछ उसमें से क्यू जो एक कह लें कोटेशंस हैं वो भेजी, और उन्होंने कहा कि अच्छा जनाब ये आप एक उसका टीज़र ले लें, तो वो मैं एक आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर मैं उसके हवाले से आपसे बात भी करूँगी। उसमें यह था कि एक्सेप्ट द थिंग्स टू विच फेट बाइंड्स यू एंड लव द पीपल विद होम फेट बाइंड्स यू टूगेदर बट डू सो विद ऑल योर हार्ट। ये और ये जो कोटेशंस थी ये किसी बुक का रेफरेंस था, और उस वक्त के एक रोम के एम्प्लॉय के हवाले से उन्होंने मुझे बताया कि बहुत डिटेल्ड इसके आप जब पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसके अलावा एक और भी था, व्हेन यू राइज इन द मॉर्निंग थिंक ऑफ व्हाट अ प्रिविलेज इट इज टू बी अलाइव, टू थिंक, टू लव एंड टू एंजॉय द लाइफ। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि आप जब हम रोज सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं, हम वैसे बहुत नाशुक्री भी करते हैं, मैं बहुत सारे केसेस में बात करती हूँ कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा नाशुक्री भी हैं, लेकिन हमें सुबह उठते ही एहसास होना चाहिए कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका और दिया है ज़िंदगी जीने का, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करने का, अपनी दूसरों में प्यार बांटने का, प्यार से मिलने का। तो अगर शायद हम यही सोच लें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उसको ख़त्म ही कर सकते हैं अपने इर्द-गिर्द से, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपने दिन का आगाज़ कर सकते हैं, एक पॉजिटिव लाइफ भी गुजार सकते हैं। तो मैं उन शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जितनी अच्छी सुबह सुबह उन्होंने बातें मुझे बताईं, और मैंने सोचा कि मैं अच्छी बातें अगर सुन रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अच्छा जनाब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिसर्च भी है हमारे पास, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि दुनिया भर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अभी हम आपको जरा PIA की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि PIA हम देखते हैं जनाब पाकिस्तान में, आप जहाज कुछ ऐसे उनके हवाले से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं, PIA के हालातों वाकयात के हवाले से लोग कुछ कंप्लेन भी करते हैं सोशल मीडिया पर इधर उधर भी। लेकिन PIA का जनाब एक पुराना जहाज खूबसूरत रेस्टोरेंट की शक्ल में तब्दील हो चुका है, और ये शहरियों के लिए मुनफरद इकदाम भी किया गया है PIA की जानिब से। वो क्या है जनाब, ये खूबसूरत और शहाना रेस्टोरेंट का मंजर ये जहाज पेश कर रहा है। जहाज में बैठने का इंतजाम, दीवारों, छत और फर्श की सजावट जो है वो नए अंदाज में की गई है, और ये पहली बार नहीं हुआ जब PIA ने किसी अपने पुराने जहाज को रेनोवेट किया और उसको जेर इस्तेमाल लाया, बल्कि इससे पहले भी एक तरह जो है रेस्टोरेंट की शक्ल में बिल्कुल मौजूद था। और ये कहानी चली PIA फ्लाइट भरे ना भरे, एटलीस्ट रेस्टोरेंट तो आप लोगों को मिल रहा है कि ये अच्छी एक चीज़ आपको मिल जाएगी। चले आप जहाज में बैठना जो लोग चाहते हैं वो रेस्टोरेंट की शक्ल में इस जहाज को इंजॉय कर सकते हैं। तो PIA जनाब इन्होंने अपना एक जहाज जो है खूबसूरत रेस्टोरेंट में तब्दील कर लिया। अच्छा जी ये तो हमने कहानी सुनाई PIA की, अब जरा अगली रिसर्च भी आपसे शेयर कर लेते हैं, वो है बर्फीली आबशार के हवाले से, और ये आबशार जो है इस पर रेनबो नजर आती है, यानी कि कौसे कजा। चीन के सूबे की बात की जाए तो उसमें पाई जाने वाली आबशार वैसे तो दुनिया की अनोखी तरीन आबशार है, ताहम मौसम सरमा में इसकी इनफरादियत में और भी इजाफा हो जाता है, और उसके ऊपर जो है रेनबो यानी कि कौसे कजा नमूदार होती है। जनाब ये अनोखा तरीन दरिया जिसका पानी जो है वो जर्द रंग का है, और ये जनूबी एशिया का दूसरा और दुनिया का छठा तवील तरीन दरियाई सिस्टम भी है, और दरिया के जो कॉर्नर है उस पर आबशार भी मौजूद है और जिसका रंग भी जर्द है। जब सख्त सर्दियों में इस सूरज की किरणें बर्फ पड़ती हैं तो दोनों किनारों पर एक रेनबो नमूदार होती है और जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, और इस रेनबो को देखने के लिए
टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, सयाहों की तवज्जो का जो है मरकज भी ये बनी रहती है, और इसके लिए मकामी इंतजामिया की जानिब से सयाहों को ऐसे मौके पर मोहतात रहने की भी हिदायत की जाती है, क्योंकि जैसे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कुछ खतरनाक इसमें चीजें हैं, मतलब रास्ता और जो भी आबशार के आसपास कोई स्मूथ सरफेस नहीं है, तो लिहाजा सयाहों को तलकीन की जाती है कि वह बहुत सुकून से आराम से आए और इस मंजर है इसका मजा लें, और ये स्पेशली मौसम सरमा में ये अच्छा मंजर दिखाई देता है। अच्छा जनाब, ये आबशार तो थी चीन में जिसका हमने आपको बता दिया, पाकिस्तान में पिया ही है, चीन में ये आबशार है, और अब जो एक और रिसर्च है वो ये कि दिल के मरीज जिनको थोड़ा हार्ट का इशू होता है उनके लिए पहनी जाने वाली जो ईसीजी मशीन है वो तैयार कर ली गई है। ईसीजी मशीन आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई और एक हार्टवेयर नामी ईसीजी आला बनाया गया है जो हर वक्त ईसीजी लेकर दिल की जो कैफियत है उसके हवाले से आगाह भी करता है। वक्तन फवक्तन जो जो चेंजेस आती हैं जिस्मानी कैफियत या दिल की धड़कन पर, उस पर नजर रखना डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जरा सी नेग्लिजेंसी जो है इसको बहुत ज्यादा मेजर इशू भी बना सकती है। लिहाजा इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये ईसीजी मशीन बनाई गई है, और माहरीन कल्ब ने मुश्तरका तौर पर हार्टवे नामी एक सेंसर बनाया है जो दिल की बेतरतीब और खतरनाक धड़कन को नोट भी करता है। और इस मशीन की खास बात यह है कि ये वायरलेस आला है और जिसकी तफसीलात फोन पर या किसी और जो आला है उस पर वसूल की जा सकती है। और दूसरी खास बात यह है कि मस्नूई जहानत को इस्तेमाल करते हुए ये मरीज में फालिज के खतरे की निशानदेही भी कर सकता है, यानी कि कैरी तो करना है ही लेकिन साथ साथ बहुत सारे रिस्क भी हेल्पफुल होगा उसको करने में। 24 आवर्स में ईसीजी में दिल की बाकायदगी को ढूंढ निकालना किसी भी डेम से, मतलब आपको पता है कि आपके अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मेजर इशू आ जाए तो हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें हार्ट का कोई इशू है। अगर इस तरह का आला अगर बनाया गया है तो वो 24 आवर्स में आपके दिल की तमाम तर जो कैफियत है, धड़कन तेज या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पॉइंट आउट करेगा और उस हवाले से आपको अपडेट भी करेगा। तो जनाब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई गई है और जो आपके फालिज अगर खुदा ना खास्ता कोई खतरा है तो उसको भी अपडेट आपको कर देगी। तो ये जनाब एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए खुदा ना खास्ता जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस हवाले से हमने आपको बता दिया। और आज का आगाज बहुत अच्छी सारी बातों से हो गया और मैंने अपने जो जो अच्छी अच्छी बातें सुनी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली। डेफिनेटली मैं रोज की कोई ना कोई ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करने का फायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सुनने को मिलती हैं और फिर वो आप शेयर भी कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ रोज डेफिनेटली कुछ ना कुछ शेयर करती रहूंगी। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।